हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। प्रमाण, हमको प्रमाण की जरूरत नहीं, यह अहंकार भी है। संघ तो कोई छुप छुप बात नहीं करता है। बीते दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह वालों एक राष्ट्रीय भाषा बारे बयान दिता गया, तो दक्षिणी पछमी प्रांता सने पंजाब विच भी इसका खूब विरोध होया। तो हुण दूजे पासे आरएसएस के मुखी मोहन भागवत ने एक होर वड्डा ते विवादित बयान दे दिता है। मोहन भागवत ने दुशहरे मौके संघ नूं दिते अपने भाषण विच भारत नूं हिंदू राष्ट्र ऐलान दिता है। अपने भाषण दौरान मोहन भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है अते जेकर हिंदू चाहुंदे ने कि दुनिया उहनां दी गल सुणे तां उहनां नूं इकजुट होण दी जरूरत है। इस मौके बेशक भागवत ने शांति अते भाईचारे दी गल कीती पर उहनां हर सच्चे भारती नूं हिंदू दा दर्जा दिता है। उन्हें कहा कि देश के माण अते अमन लई काम कर रहे सारे भारती हिंदू ने। उन्हें कहा कि संघ अपने बयान ते अटले कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। कर प्रमाण इन बातें रखकर जानकारी कुछ रहती नहीं। संघ की स्थापना गुरुजी ने की, गुरुजी और सावरकर और क्या हिटलर को आदर्श मानते थे, कुछ भी इसका कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा क्यों है, हमने सोचा इसलिए ऐसा है। प्रमाण, हमको प्रमाण की जरूरत नहीं, यह अहंकार भी है और कुटिल इच्छा भी है। अब संघ कहता है हिंदू संगठन हिंदू राष्ट्र, तो बस संघ ने कभी कहा नहीं, संघ कहेगा भी नहीं, संघ करेगा भी नहीं। संघ की इच्छा एकदम अलग है। लेकिन वो कहा कि देखो हिंदू हिंदू की बात कर रहा, मुसलमान ईसाइयों का विरोध कर। अब हिंदू की बात करना है ना, मुसलमानों का विरोध करना है, कहां से आया भाई? हाँ ये ठीक है कि एक आक्रमकों के साथ आया है इस्लाम, लड़ाइयां हुई है उसके कुछ और रहे जैसे, और होली बीत जाती है लेकिन वो बातें रह जाती है कुछ दिन, वैसे है जाएगा धीरे धीरे। लेकिन हिंदू का संगठन करना इसका मतलब उनका विरोध करना है थोड़ी है। ये स्वयंसेवक भी नहीं समझता। लेकिन अप्रमाणित बातें ऐसी, किसी कोई छुटपुट आदमी कुछ बोल देता है उसको संघ का इसलिए प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे प्रचार चलता है। संघ तो कोई छुप छुप बात नहीं करता है। संघ अपने जन्म से कह रहा है, स्पष्ट सुविचारित धारणा है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र यानी किसका राष्ट्र? हिंदू कौन है? तो हिंदू वो है जो ये समझता है कि विश्व के अस्तित्व में एक ही सत्य है जो विविध रूपों में हमको दिखता है। मनुष्यों के भी विविध प्रकार होते हैं, उस सत्य को समझने के विविध रास्ते भी होते हैं, उस सत्य के रूप को देखने की विविध नजरें भी होती है। सभी अपने अपने जगह सही है। इसको किसी को बदलने की जरूरत नहीं, मिटाने की जरूरत नहीं। अपने अपने श्रद्धा पर पक्के चलो, अपने आप एक न एक दिन वहां पहुंच जाओगे। आपस में मिलजुल कर चलो। आपका मोक्ष कैसा हो आप तय करो, आपकी मुक्ति कैसे हो आप तय करो, आत्मा को माने न माने आप तय करो, देवों के रूप हजारों है कि एक ही है आप तय, आप चलो वैसे। परंतु धर्म का पालन करो। धर्म क्या होता है? धर्म को पंथ बना देने से गड़बड़ है। धर्म सबका होता है और एक ही होता है, वो मानव धर्म होता है, उसको आजकल हिंदू धर्म कहते, क्या कहेंगे? क्योंकि सब अपने अपने रास्ते से चलेंगे, कोई बात नहीं, मिलजुल कर चलो, दोस्ती से चलो। सबकी बात सही है, मेरी ही सही है ऐसा नहीं है, मेरी भी सही है ये बात ठीक है, ऐसा मानकर चलने वाले इस देश के ही लोग रहे सारी दुनिया में, और देशों के नहीं रहे। और इस देश के लोग उस बात को तब से लेकर चल रहे हैं, इसलिए इस बात को कहते हैं। तो इस मानवता की बात को, मानव धर्म को, डॉक्टर बाबा साहब के शब्दों में बंधु भाव को हिंदू धर्म कहते तो क्या कहे। जिक्र योग है कि आरएसएस दे संघी लीडर ने इस तो पहला जनतक तौर ते इस बारे कदे भी सीधे शब्दों विच नहीं कहा, पर गोलमोल गल स्टेजा तो जरूर हुंदी रही है। उधर संघ मुखी मोहन भागवत दे इस बयान नाल बीजेपी दी भाईवाल श्रोमणी अकाली दल कसूती किरदी नजर आ रही है।
ਦਰਅਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ RSS ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।